हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो बड़ा कमाल है क्योंकि भैया टॉपिक का नाम ही है HSPA। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलना बड़ा ही रेयर केस है, और अगर बाय चांस इन्फॉर्मेशन मिल भी गई तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि पल्ले नहीं पड़ती, जो कि समझ में नहीं आती। तो अगर आप एक बिगनर हो, अगर आपको इसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आई थिंक ये आपके लिए एक ऐसा बेसिक बेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा जो कि आपको HSPA के बारे में अच्छी खासी जानकारी दे देगा। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कहीं और घूमने की जरूरत नहीं, ये वीडियो आपको सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद द HSPA फीचर्स, HSPA में क्या क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच आर रिलेटेड विद द HSPA जो आपको पता होनी चाहिए वो आपको इस वीडियो के थ्रू गारंटीड पता लग जाएंगी। सिर्फ कुछ मिनटों तक वही करना है आपको, इस बोर्ड पे ध्यान देना है, फोकस टिकाए रखना है और मेरी बातों को सुनते और समझते रहना है। तो बेसिकली HSPA है क्या, वहां से शुरुआत करते हैं। इट इज अ हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। क्या है HSPA का फुल फॉर्म ही क्या है, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। अभी इस फुल फॉर्म को तोड़ते हैं हम लोग, कैसे तोड़ेंगे, पैकेट पकड़ते हैं। पैकेट मतलब क्या भैया, ये डेटा सर्विसेज से रिलेटेड है, HSPA आपका डेटा सर्विसेज से रिलेटेड है। बिकॉज जो आपका डेटा है उसको पैकेट फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, स्टोर अप करते हैं, पैकेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं आपके डेटा को हम लोग। लेकिन अगर किसी यूजर को वो पैकेट जो है वो एक्सेस करना है विद डिलिबरेटली हाई स्पीड, तो आप HSPA यूज कर सकते हो। तो आपने देखा मैंने कैसे तोड़ा और कैसे उसको जोड़ा और फिर उससे मीनिंग निकाला। तो एक तरीके से जो पैकेट है, जो डेटा है आपका, ओके, वो अगर किसी यूजर को एक्सेस करना है विद डिलिबरेटली वेरी हाई स्पीड, तो आप HSPA का सहारा ले सकते हो। ओके, तो अभी बेसिकली अगर HSPA मैं बोल रहा हूं तो वो क्या अकेले काम कर रहा है, नहीं, उसके साथ बहुत लोग हैं, उसके साथ कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं, एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली दो आपके टेलीफोनी प्रोटोकॉल्स उसमें इन्वॉल्व है। इट्स नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टेलीफोनी प्रोटोकॉल्स दैट आर नथिंग बट द HSDPA एंड HSUPA। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, HSDPA मतलब क्या, HSPA सेम है, सिर्फ D डाल दिया बीच में, बराबर। ये भी HSPA सिर्फ U डाल दिया बीच में। अब ये D और U क्या है, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, डाउनलिंक की बात चल रही है यहाँ पे, स्पेसिफिकली हम लोग डाउनलिंक के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस, यहाँ पे सिर्फ हम लोग अपलिंक के बारे में बात कर रहे हैं। अब भाई यार तुम लोग पूछ रहे होंगे ये डाउनलिंक अपलिंक बात कर रहे हैं, लेकिन ये होता क्या है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आइए, इस डायग्राम को समझते हैं और यहाँ पे डाउनलिंक और अपलिंक क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा एक टावर है, जो अपना मोबाइल टावर होता है, खिड़की खोल के देखोगे तो मोबाइल टावर दिखते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपका मोबाइल टावर है और ये आपका मोबाइल फोन है, ठीक है। तो व्हेनेवर वी आर कम्युनिकेटिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, मींस फ्रॉम टावर टू मोबाइल, जब हम लोग इस डायरेक्शन में कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम टावर टू मोबाइल, देन इट इज कॉल्ड एज अ डाउनलिंक। तब उसको कहते हैं डाउनलिंक, मतलब ये जो नीचे जाता हुआ एरो है वो डाउनलिंक है, और जो ऊपर आता हुआ एरो है फ्रॉम द मोबाइल टू द टावर, इट इज अ अपलिंक, बराबर। तो स्पेसिफिकली ये वाला जो आपका प्रोटोकॉल है जहां पे आप डाउनलिंक पे फोकस करते हो, वहां पे बेसिकली आप इस एरो पे फोकस कर रहे हो, इस एरो को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। एरो मतलब इन अ सेंस वो जो उसका फ्लो है, ओके, वो जो उसकी लिंक है, स्पेसिफिकली लिंक है, जो उसकी डाउनलिंक है, उसका जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करने की कोशिश करते हो, उसके डेटा रेट्स को हम लोग यहां पे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एंड अपलिंक में ऑब्वियसली उसी का उल्टा, यहां पे हम लोग अपलिंक के ऊपर फोकस करते हैं, इस लिंक का जो परफॉर्मेंस है उसकी जो एफिशिएंसी उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसका डेटा रेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग इन दो प्रोटोकॉल्स में देखते हैं, ठीक है। अब बेसिकली और भी कुछ एडेड फंक्शनलिटीज हैं रिलेटेड विद HSPA, वो हम लोग जानते हैं। सो बेसिकली यूटिलाइजेस WCDMA प्रोटोकॉल्स। तो WCDMA जो हमने देखा था उस आर्किटेक्चर में, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको यहाँ पे HSPA यूटिलाइज करता है उसकी फंक्शनलिटी में। सो बेसिकली इट इज यूटिलाइजिंग WCDMA प्रोटोकॉल्स आल्सो विद इन इट, ठीक है। HSDPA, हाँ, अभी ये मुझे देखना है कि यहाँ पे अगर मैं HSPA की बात करता हूँ तो रिमेंबर देयर वर वेरियस रिलीजेस, मतलब जैसे बोलते हैं ना, ये वर्जन अपडेट होता जाता है और अपना एक एक नया वर्जन रिलीज करता जाता है। तो बेसिकली HSPA ने जब उसका एक इवॉल्व वर्जन था जो कि HSDPA, मतलब ये HSDPA, तो ये HSDPA कौन सा रिलीज था, किस रिलीज में था, रिलीज 5 में था, बराबर। इट वॉज एसोसिएटेड विद द रिलीज 5, सो HSDPA वॉज एसोसिएटेड विद रिलीज 5, HSUPA वॉज एसोसिएटेड विद द रिलीज 6, बराबर। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि भैया उनका रिलीज क्या था, क्या वो 1 था, 2 था, 3 था, तो स्पेसिफिकली इट वॉज 5 एंड स्पेसिफिकली इट वॉज 6, ठीक है। अभी आते हैं यूज फॉर हाई ट्रांसमिशन रेट रिक्वायरमेंट। ये तो मैंने पहले ही बता के रखा था कि भैया हाई स्पीड से आपको डेटा को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप क्या लगेगा, यू विल रिक्वायर द ट्रांसमिशन रेट टू बी वेरी हाई। आप अपने डेटा को कितने फास्टली ट्रांसमिट कर सकते हो फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, वो होता है आपका ट्रांसमिशन रेट। और अगर किसी एप्लीकेशन की यही ट्रांसमिशन रेट, हाईर ट्रांसमिशन रेट की रिक्वायरमेंट है, तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सूटेबली HSPA को यूज कर सकता है। दिस इज व्हाट इज देयर, ठीक है। अब एक और चीज पे आते हैं, जैसे मैं
बात कर रहा था कि ये जो डाउनलिंक है और अपलिंक है इसका परफॉर्मेंस को एनहांस करना है, इसके डेटा रेट्स को एनहांस करना है। तो कहां तक एनहांस होता है, सिंपल सी बात यहां पे, तो अगर आप डाउनलिंक को देखोगे, ओके डाउनलिंक इट्स डेटा रेट इज इंक्रीज्ड अबाउट टू 14 Mbps per second, यहां तक वो इंक्रीज हुआ है आपके डाउनलिंक का डेटा रेट, ठीक है। और अपलिंक का जो डेटा रेट है इट इज इंक्रीज टू 5.8 Mbps व्हेन वी आर कंसीडरिंग द कांसेप्ट ऑफ HSPA, ठीक है। तो यहां तक का फंडा क्लियर हो गया, कितने डेटा रेट से इंक्रीज हुआ वो भी पता चल गया, डाउनलिंक एंड अपलिंक दोनों, ठीक है। रिड्यूसिंग लेटेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अभी इसमें काम कहाँ आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, बराबर ऑनलाइन गेम खेल रहे हो तो उसमें क्या होता है आपको रिस्पांस बहुत फटाफट देना पड़ता है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा दुश्मन सामने खड़ा है और आप बस गन को मूव कर रहे हो लेकिन वो हो नहीं रही। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ लेटेंसी, मतलब आपका रिस्पॉन्स जा रहा है लेकिन वो जो सिस्टम है वहां पे वो रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बराबर वो टाइम ले रहा है रिफ्लेक्ट होने में, तो वो जो टाइम है इट इज नथिंग बट लेटेंसी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग उनमें हम लोग HSPA का इस्तेमाल करके वो जो लेटेंसी उसको रिड्यूस कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस द लेटेंसी एंड देयरफॉर वी कैन इंप्रूव द रिस्पांस, ताकि वो जो आपका जो रिस्पांस रेट है वो फटाक से वहां पहुंचना चाहिए, बिकॉज भैया वहां पे हाई ट्रांसमिशन रेट जो ठहरा तो वो फटाफट वहां पे आपका रिस्पांस दिखेगा और रिफ्लेक्ट अप भी होगा इन द गेम दैट यू आर प्लेइंग, ठीक है, ऑनलाइन गेम, ओके। एंड सिस्टम कैपेसिटी, ऑब्वियसली ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए, सी सिस्टम कैपेसिटी मतलब जिस सिस्टम में आपने HSPA को इंप्लीमेंट किया है उस पर्टिकुलर सिस्टम की जो कैपेसिटी है उसको वो इंक्रीज करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका ये एडवांटेज है कि वो सिस्टम कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। एंड सेकंड थिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है आपकी, व्हाटएवर द प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेटेड विद योर सिस्टम हो जाए, विद योर ट्रांसमिशन हो जाए, वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है पर बिट, आई एम टॉकिंग पर बिट जो मैं बात कर रहा हूं फॉर द ट्रांसमिशन, इट इज ऑब्वियसली रिड्यूस्ड, इट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो यहां पे आपकी सिस्टम कैपेसिटी बढ़ रही है एंड कॉस्ट जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर बिट है वो रिड्यूस हो रही है बाय यूजिंग HSPA। एक और चीज भैया, मॉड्यूलेशन कैसे रह गया, मॉड्यूलेशन के भी तो बारे में बात कर लेते हैं। तो 16 क्वाम एंड 64 क्वाम मॉड्यूलेशन को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं HSPA, क्यों, बिकॉज भैया आपको उसके डेटा रेट्स को अगर बढ़ाना है, अगर उसके डेटा रेट्स को बढ़ाना है, उसके ट्रांसमिशन रेट को अगर बढ़ाना है, तो आपको ये मॉड्यूलेशन यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज दीज आर द मॉड्यूलेशन विच आर हाईली कॉम्पेटिबल फॉर दोज वेयर यू वॉन्ट और वेयर द रिक्वायरमेंट इज फॉर द हायर ट्रांसमिशन रेट, हायर डेटा रेट, तो इसलिए आप ये मॉड्यूलेशन आप यूज करते हो इन केस ऑफ HSPA, ठीक है। एंड फाइनली उसका एक भैया डिसएडवांटेज आ गया, कौन सा डिसएडवांटेज, सिंपल सा है, नॉट सुटेबल फॉर लो बैंडविड्थ एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि आपको हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रहा है तो व्हाई टू यूज फॉर दोज एप्लीकेशन हुज रिक्वायरमेंट इज ओनली लेस बैंडविड्थ, बराबर उनके लिए उसको क्यों यूज करना जिनकी रिक्वायरमेंट ही लेस है बैंडविड्थ की, जैसे कि आपके वॉइस, बराबर आपकी जो वॉइस एप्लीकेशंस होती हैं उनमें आपको ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर जहां पे डेटा हो आपका, जहां पे डेटा इन्वॉल्व हो वहां पे ज्यादा आपको हाई बैंडविड्थ चाहिए होती है, तो उसमें उसको यूज किया जा सकता है, लेकिन लो बैंडविड्थ जैसे कि वॉइस एप्लीकेशंस में उनको ज्यादातर आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक उसका ड्रॉबैक था, एक लिमिटेशन था आप कह सकते हो, ठीक है। सो दिस वर द इन्फॉर्मेशन दैट आई वॉन्टेड टू डिलीवर यू थ्रू दिस वीडियो अबाउट द टॉपिक HSPA। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, मजा आ गया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मैंने आपकी एग्जाम में थोड़ी सी भी यार 1% भी मदद कर दी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ सारे शेयर कर दो, एग्जाम पास आ रही है शेयर कर दो, और वेरी इंपॉर्टेंट इस चैनल को 5 मिनट इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।